हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है निकलो रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और माफ़ करना, बहुत टाइम हो गया हमारी मुलाकात हुई हुए वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना अभी जो है वो स्ट्रेस में हूँ मैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसका सिलेबस कवर करना है और भी हज़ार काम है, तो सही में बिना टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। पर फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाल के आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपसे मुलाकात हो रही है। तो बाकी जिन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट भेजी हैं और या फिर कमेंट्स में दी हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए, मुझे जैसे थोड़ा सा जो है टाइम मिलेगा मैं थोड़ी और वीडियोस जो है लेके आने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर जिन जिन्होंने मुझे जो जो रिक्वेस्ट की है उन हर एक कि रिक्वेस्टेड वीडियोस पे मैं एक्शन दूं। पर आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा नया है, मुझे मैंने मतलब मैंने सोचा नहीं था कि शायद नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा होता हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमेशा से मुझे नॉर्थ ईस्ट की इमेज ना वैसी रही है कि वहाँ बहुत मतलब यूनिटी है। पर अभी मेरी एक इंस्टाग्राम पे एक मेरे सब्सक्राइबर से बात हुई तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी इस इमेज को कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना वहाँ पर रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वैसे थोड़ी इमेज मेरे सामने लाने की उन्होंने ट्राई किया है। कोई ऐसी जो है मतलब नेगेटिव वे में वो मतलब उन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट के बारे में मुझे नहीं बताया। मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि पूरे इंडिया में है, ठीक है, और ज़्यादातर आपको मिलेगी राजस्थान और हरियाणा में। वैसी प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट में भी है ये जान के मुझे थोड़ा सा ना जो है वो शॉकिंग लगा। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भी शेयर करी और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो भी वीडियो देखें, फिर आप लोग आप में से काफ़ियों को जो है आइडिया हो जाएगा कि मैं किस बारे में जो है बात कर रहा हूँ। पहले हम देख लेते हैं क्या है वीडियो और उसके बाद हम अपनी बातें जो है कंटिन्यू करेंगे। चलिए करते हैं शुरू, क्या है वीडियो। अरे बुथल से पाठ है एकले को रि हम सा हा हां तो ओके। तो ये थी वीडियो। वैसे मुझे इनकी लैंग्वेज वगैरह समझ में नहीं आई। बाकी जिस जिन्होंने मुझे ये वीडियो शेयर करी थी उन्होंने मुझे एक जो है एक स्टोरी बताई जो है अपनी, कि त्रिपुरा में दो मेजर वहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं, बंगाली और एक कोकबोरक, और इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। और ये भी आई थिंक जो है कुछ वैसा ही है। ये दो जो कपल थे, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये कपल हैं क्योंकि उन्होंने मुझे जो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई फिर ये शेयर किया तो मैं यही सोच रहा हूँ कि ये कपल हैं, ठीक है, ये और ये आई थिंक अलग अलग कम्युनिटी के हैं और इसलिए जो उनकी रेस्पेक्टिव कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने शायद उनको मालूम पड़ गया उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है। ऐसे ऐसा ट्रीटमेंट कुछ नया नहीं है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता है और बाकी इंडिया में ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसे क्लिप्स मैंने बहुत बार देखी हैं, यूपी में ऐसा बहुत होता है, हरियाणा में होता है, राजस्थान में होता है, इवन साउथ में भी काफ़ी होता है। तो कम्युनिटी डिफरेंस की वजह से और फिर कपल के साथ ऐसा ट्रीटमेंट ऐसा इंडिया में आम होता है, ठीक है, आप वैसे आप काफ़ी कम हो गया है पर मतलब आज से करीब 10-15 साल पहले ये बहुत ज़्यादा था।
और ऑनर किलिंग तो बहुत ज़्यादा होती थी, स्पेशली हरियाणा में और राजस्थान में। अब अभी भी होती है, ऐसा नहीं है कि अब जो है ख़त्म हो गई है। पर जिन बंदों से जिस बंदे से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया है कि वो जो है बंगाली हैं और उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो ककबरक जो कम्युनिटी है वो उनसे बिलोंग करती है। अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत जो है प्यार करते हैं, है ना, दे लव इच अदर, और वो शादी करना चाहते हैं। बट वो क्या है कि अभी नॉर्थ ईस्ट से बाहर हैं और साथ में जो है वो रह रहे हैं, पर उनको ये डर है कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट में वापस जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा वो सब जो मुझे कह रहे थे कि जो जो लड़का है जो बंगाली है उसकी फैमिली शादी के लिए जो है मान गई है, पर जो वो लड़की है और उसकी जो कॉकबरक कम्युनिटी है, मतलब जो उसकी फैमिली है, फैमिली लड़की वाले जो हैं वो नहीं मान रहे हैं। आई थिंक उनको कुछ ऐसा होगा कि अगर मैंने हाँ कर दी और मेरी बेटी की शादी एक बंगाली लड़के के साथ होगी तो जो जो मेरी कम्युनिटी है, मतलब जो कॉकबोरक जो उनकी कम्युनिटी है लड़की वालों की, वो लड़की वालों को जो है बॉयकॉट कर देंगे और मतलब कुछ इल ट्रीटमेंट उनको मिल सकता है अपनी की कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। तो शायद इसलिए वो नहीं मान रहे हैं। अब ये जो चीज़ थी ना कि भाई वहाँ कम्युनिटी में इतना डिफरेंस है कि वो आपस में शादी नहीं करते हैं, और शादी क्या मतलब ये जो है ना ऐसे जो दो अलग कम्युनिटी के बीच में ऐसा रिलेशन वाली जो होती है बात कि वो आपस में शादी कर लें या कुछ ऐसा, वैसा नहीं होता है। तो ये वाली जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई, इसने मेरी उस इमेज को थोड़ा सा तोड़ दिया जो थी कि पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत यूनाइटेड है, वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जैसा जो है बाकी जो इंडिया है उसमें होता है, जैसे कि हरियाणा वगैरह में जो कास्टिज्म जो है बहुत है और लड़का लड़की को जो है मार दिया जाता है अगर वो दोनों अलग कास्ट के हैं और वो शादी वगैरह कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो अगर उनके अफेयर्स के बारे में उनकी रेस्पेक्टिव फैमिलीज को मालूम पड़ जाता है तो ये वाली बात जो मुझे पता था कि हाँ ये बाकी नॉर्थ सॉरी बाकी जो इंडिया है वहाँ होता है, पर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता है ये मुझे मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट था एकदम ऐसे यूनाइटेड कि वहाँ सब ठीक है, वहाँ सब ठीक है, वहाँ के लोग बड़े ही वो लिबरल हैं और बड़े ही ओपन माइंडेड हैं, तो वहाँ जो है इंटर कम्युनिटी मैरिज वगैरह होती होगी, ऐसी मेरी एक सोच थी पहले। पर अब इस बंदे ने जो मुझे वो सब कुछ बताया है कि नहीं, ऐसा हर सिर्फ जो है त्रिपुरा में नहीं होता, ऐसा हर स्टेट में होता है। नागालैंड वाले जो होते हैं और जो मणिपुरी वाले होते हैं, वो ये जो नागा ट्राइब और जो जो मणिपुरी के जो होते हैं ट्राइब्स, इनमें थोड़ा सा क्लासिस है, मेघालय वालों में है, मतलब तो उन्होंने मुझे ये सारा बताया। अब मेरे सिर्फ जो है एक से बात हुई है, तो जो उन्होंने बताया मैं मान रहा हूँ, पर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या रियल में वहाँ सिचुएशन जो है ये जो इंटर कम्युनिटी जो डिफरेंसेस हैं वो कितनी ज़्यादा हैं या फिर थोड़ी सी मामूली सी हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं और मेजोरिटी में ऐसा नहीं होता, क्या ऐसा है या फिर रियल में वहाँ पर कम्युनिटी डिफरेंसेस हैं, मुझे ये ज़रूर कमेंट करके जो है वो बताइए। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हिंदी में या इंग्लिश में कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे इन्हीं दो लैंग्वेज में समझ में आएगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज में जो है वो कमेंट करेंगे तो मुझे वो समझ में नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं और जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि जो है कम्युनिटी जो डिफरेंसेस हैं वो हैं क्या, ये सच है, अगर है तो क्यों है, मतलब क्या प्रॉब्लम है। देखो
बाकी इंडिया में मेन प्रॉब्लम होती है जहाँ पर इसकी इसकी ऑनर किलिंग की, वो होती कास्टिज्म, ठीक है, अपर कास्ट का या लोअर कास्ट का कुछ पंगा होता है यहाँ पर, और रिलीजन का भी होता है, पर रिलीजन वाला फैक्टर नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, ठीक है, अगर रिलीजन वाला फैक्टर है तब तो ठीक है, तब तो मतलब ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरलिजन मैरिज होनी नहीं चाहिए, वैसा नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब क्या है ना कि अगर दो अलग अलग रिलीजन हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा कल्चरल और उनकी जो वो थॉट प्रोसेस है और जो उनकी जो मान्यता है वो काफ़ी अलग अलग होती हैं, तो थोड़ी फैमिलीज़ जो हैं वो थोड़ा हेजिटेट करती हैं कि किसी अपनी लड़के की या फिर लड़के की किसी और रिलीजन में शादी हो। पर अगर कम्युनिटी सेम है, ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई दो कम्युनिटीज़ हैं, दोनों ही क्रिश्चियन जो है फेथ को मानती हैं, तो क्या तब भी वो आपस में शादी नहीं करती हैं? अगर तुम्हारा रिलीजन से है वो सेम हो और कम्युनिटी अगर मतलब ये अलग हो, तो भी क्या वहाँ पर कुछ जो है प्रॉब्लम्स आती हैं? ठीक है, और मैंने और क्योंकि मैं जानता हूँ कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन जो जो ये पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है वो ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, वहाँ पर हिंदुज़म बहुत कम होता है और जो बाकी जो है रिलीजन वो भी बहुत कम है, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है, ये तो मैं जानता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन यही है, अगर आपका रिलीजन सेम हो और कम्युनिटी अलग हो, तो क्या आपके घर वाले शादी कराने के लिए मान जाएंगे? मैं सही में इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्यों, मतलब ये जो मतलब ये जो डिफरेंसेस हैं कम्युनिटी वाले, वो क्या जो हमसे पहले की जो वो जनरेशन है, जैसे कि जो मम्मी डैड होते हैं जो कि 40-50 साल के जो वहाँ पर पॉपुलेशन है, ये सिर्फ मतलब उन तक है कि अब जो यंगस्टर हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि नहीं, इंटर कम्युनिटी मैरिज नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ के यंग लोग भी यही सोचते हैं? मुझे बेसिकली मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपकी सोच जानना चाहता हूँ कि वहाँ के यंग लोग जो आने वाली जनरेशन है या फिर जो अभी की यंग जनरेशन है वो क्या सोचती है, क्या इंटर कम्युनिटी मैरिजेस सही हैं क्या या फिर सही नहीं है? आपके जो भी व्यूज़ हैं प्लीज़ साथ में अपना एक रीज़न जरूर लिख दीजिएगा ताकि मैं जो हूँ ठीक से जान पाऊँ कि क्या रीज़न है इंटर कम्युनिटी मैरिजेस लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं, या फिर जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों हैं, क्योंकि सही में ना मुझे बड़ा शौक हुआ कि भाई वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मतलब उतनी ज़्यादा यूनिटी नहीं है, ऐसा मुझे अब लग रहा है कि वहाँ यूनिटी है। अगर मतलब मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं अगर वो नॉर्थ ईस्ट से बाहर हैं, ठीक है, तब वो चाहते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो ऐसे मतलब यूनाइटेड होके रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मिज़ोराम का बंदा है, ठीक है, कोई मिज़ो बॉय है, तो वो अगर वो दिल्ली में है तो वो चाहता है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट ऐसे यूनाइटेड रहे, पर अगर वो नॉर्थ ईस्ट में ही है, ठीक है, तब वो चाहता है कि जो मेरी कम्युनिटी है वो पूरा ऐसे यूनाइटेड रहे और बाकियों का जो है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा एक कमेंट था जो मैंने एक पढ़ा था कहीं पर कि वहाँ थोड़ी ऐसी मेंटालिटी है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बाहर हो तब आप चाहोगे कि पूरा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड रहे, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी कम्युनिटी के अंदर रह रहे हो तो सिर्फ आपको फिर अपनी कम्युनिटी की ही जो है वो फिक्र होती है। मैं अब बस ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा है कि वहाँ पर इंटर कम्युनिटी मैरिजेस जो हैं वो
नहीं होती हैं, और जो जो लोग करते हैं उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट लोग नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग ये मानते हैं कि भाई इंटर कम्युनिटी मैरिज होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों को, ऐसे कपल्स को सपोर्ट कीजिए जो आपस में शादी करना चाहते हैं पर वो अलग अलग कम्युनिटी के हैं, ठीक है। क्योंकि भाई अगर ऐसा नहीं होगा तो धीरे धीरे फिर वो जो असली वाली यूनिटी है नॉर्थ ईस्ट में वो कभी आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। और फिर आप जानते ही हैं, अब आपने तो सुना ही होगा ना बचपन में, यूनिटी स्ट्रेंथ। अगर ऐसा ऐसे आप अलग अलग ही रहोगे और ऐसे कपल्स को आप सपोर्ट नहीं करोगे जो एक दूसरे से प्यार करते हैं पर अलग अलग कम्युनिटी के हैं, तो ये डिफरेंसेस ख़त्म करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे कपल्स को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफ़रत दोगे तो नफ़रत मिलेगी, सीधा सा लॉ है, ठीक है। चलिए मुझे अपने व्यू जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।